हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ आपने तो थंबनेल में देख ही लिया है। सो फ्रेंड, ये है एक 12 वोल्ट का एलईडी लाइट जो कि सीलिंग में लगता है, जो हमारा वॉश बेसिन होता है वहाँ पर या फिर जो मिरर होता है वहाँ पर लगा रहता है। सो फ्रेंड, ये मेरे फ्रेंड ने दिया है और उसने जो है इसका जो सर्किट होता है 12 जो इसको पावर सप्लाई देता है 12 वोल्ट की, वो जो है उसने निकाल लिया है क्योंकि उसको दूसरे कहीं यूज़ करना था इसकी वजह से। सो अभी मेरे पास ये एलईडी है तो इस एलईडी की वजह से जो है मैं यहाँ पर एक टॉर्च बनाने वाला हूँ। सो जानने के लिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं जो है एक ड्रिल यहाँ पर ले लेता हूँ। बेसिकली ये स्क्रू मशीन है जिसको मैंने खुद ही बनाया हुआ था और उसके बाद मैं इसको जो है यहाँ पर इन दोनों स्क्रू को यहाँ पर निकाल दूंगा इस एलईडी के, जिससे जो है हमारी एलईडी जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद इस प्लग को भी मैं यहाँ पर निकाल के साइड में रख देता हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एलईडी यहाँ पर बाहर आ चुकी है। उसको मैं थोड़ा सा क्लीन भी कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा दिखने में और अच्छा लगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये है 40 mm का एक पाइप है जिसका साइज़ मैंने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर रखा है। एंड उसके बाद मैंने जो है एक और यहाँ पर रिंग कट की है सेम इसी साइज़ के पाइप की और उसको मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ वीडियो में। सो कहाँ यूज़ करने वाला हूँ आपको जो है वीडियो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सो यहाँ पर जो हमारी पीवीसी पाइप है उसके एजेस थोड़े से शार्प हैं तो उसको मैं यहाँ पर गिमाल पेपर यानी सैंड पेपर से घस दूंगा। उसके बाद यहाँ पर कैंची की मदद से जो है इनके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से यहाँ पर क्लीन कर लूँगा कुछ इस तरह से। फ्रेंड, आप चाहो तो यार आप भी इस तरह से कर सकते हो या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं पाइप हमारी रेडी हो चुकी है और रिंग भी। तो रिंग का मैं कुछ इतना सा पार्ट कर दूंगा, अप्रॉक्सीमेट 1.5 सेंटीमीटर के आसपास मैंने यहाँ पर रिंग का पार्ट कट कर दिया है। आपको जो इसके हिसाब से कट करना है कि फ्रेंड आपका जो रिंग है इस एलईडी के हिसाब से पूरा परफेक्टली जो इसके ऊपर आ जाए। सो मैंने इसको जो है फेवरिक की मदद से यहाँ पर परमानेंटली फिक्स कर दिया है यानी चिपका दिया है, जिससे जो है ये निकलेगा नहीं और ये जो है इसके अंदर अच्छी तरह से यार एकदम अच्छी तरह से इसकी फिटिंग हो रही है, जैसे कि ये पाइप जो है इसी के लिए ही बना है। फ्रेंड, मैंने इसको बना दिया है और अभी ये हमारा रेडी हो चुका है। सो अभी आगे हम यहाँ पर 3 बैटरीज लेंगे जो कि 18650 लैपटॉप की बैटरी होती है। सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो तीनों साइड प्लस था उसको बस एक बीच की बैटरी चेंज कर दी है, जिससे सीरीज में हो जाता है प्लस माइनस की सीरीज में। सो मैंने यहाँ पर इसका जो है एक यहाँ पर बैटरी बना ली है और इसको मैंने प्लस माइनस की सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। सो फ्रेंड, ये है एक जो हमारी टॉर्च होती है, टॉर्च के अंदर जो एलईडी लगी होती है उसका सर्किट है और इसको मैंने पुरानी वीडियोस में भी यूज़ किया है। इसमें से मैं छोटा वाला जो रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ। सो फ्रेंड, अगर आपको यार इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल पे जो है और भी पड़ी वीडियोस को जो है चेक कर सकते हो और आपको जो है यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मैं और भी ऐसी चीज़ें बनाते रहता हूँ, चीज़ों को रीयूज़ कैसे करें, रिसाइकल कैसे करें। सो आपको जो है वीडियोज़ ज़रूर पसंद आएगी। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने रेसिस्टेंस को निकाल लिया है और निकालने के बाद जो हमारी एलईडी थी उसका जो है रेड वाला वायर यानी जो रेड वाला वायर है वो फ्रेंड वो है प्लस का। सो फ्रेंड, ये वीडियो में जहाँ पर भी आप रेड वाला वायर देखोगे वो हमेशा प्लस का ही साइन इंडिकेट करेगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं इसको जो है रेजिस्टेंस को जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर दूंगा। सोल्डरिंग करने के बाद इस पर जो है वायर स्लीव होती है उससे मैं यहाँ पर लगा दूंगा, कवर कर दूंगा। आप चाहो तो टेप भी यूज कर सकते हो जिससे जो इसकी सेफ्टी जो है ज़्यादा हो जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो हमारी जो 12 वोल्ट की एलईडी है वो जो है कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो जाती है फ्रेंड और गर्म होने लगती है पीछे से, जो कि अच्छी बात नहीं है अगर हमारी एलईडी गर्म होने लगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ इक्विपमेंट लिए, तो यहाँ पर मैंने एक एलईडी लिया है और उसके बाद यहाँ पर एक डायोड और एक यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया है 1K का। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में है वो वहाँ से हम इनपुट देने वाले हैं और राइट साइड में जो है वो जो हमारी बैटरीज के लिए यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है। तो मैंने एक नॉर्मल छोटा सा जो है चार्जिंग यहाँ पर बनाया है, चार्जिंग सर्किट बनाया है। इसका डायग्राम जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी बता दूंगा, वहाँ से आप जो है इसके डायग्राम को अच्छी तरह से समझ पाओगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने जो बैटरी का इनपुट देना था वो जो है मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये है 12 वोल्ट का एक फीमेल कनेक्टर, इसका प्लस माइनस आप यहाँ पर देख रहे हैं और उसके बाद इस पर भी मैं यहाँ पर जो बैटरीज का चार्जिंग स्लॉट तो मैंने आपको बताया कि जो चार्जिंग से जहाँ पर देने वाला हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं। और ये है छोटा सा एक स्विच है जिसको मैं बैटरी जो डायरेक्ट हमारे जो टॉर्च के लिए पावर जा रही है वहाँ उसके बीच में लगाने वाला हूँ कुछ इस तरह से वायर को कट करके। लेकिन उसके पहले फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक
प्लास्टिक का पीस कट किया है और उसमें मैंने कुछ होल्स भी कट किए हैं और इसको मैं इसके अंदर लगा दूंगा। सो फ्रेंड ये मैंने किसके साइज़ का काटा है, बिल्कुल जो हमारी पाइप है उसी के साइज़ का मैंने यहाँ पर इसको कट किया है सर्कल में। और उसके बाद हमारा स्विच जो है इस तरह से लग जाएगा और स्विच के जो दोनों लेग हैं उसको मैं थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दूंगा ताकि ये जगह जो है कम ले और हमारा जो है यहाँ पर जगह भी थोड़ा बच जाए। सो फ्रेंड यहाँ पर इसको मैं लगा दूंगा और उसके बाद जो हमारा 12 वोल्ट का फीमेल कनेक्टर है उसको भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा, फेविक्विक की मदद से इसको जो है इसके अंदर फिक्स कर दूंगा। सो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको जो है फेविक्विक की मदद से जो हमारा 12 वोल्ट का फीमेल कनेक्टर है उसको मैं इसके ऊपर यहाँ पर परमानेंटली फिक्स कर दूंगा। आप चाहो तो आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो या फिर दूसरा कोई भी गम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लगा दूंगा बिल्कुल ही सेंटर में ताकि हमारा जो है जो 12 वोल्ट का फीमेल है वो उसके अंदर अच्छे से चला जाए। सो फ्रेंड उसके बाद मैं यहाँ पर जो एक और होल है उसमें जो है इस एलईडी को भी लगा दूंगा ताकि एलईडी जो है बाहर दिखे और हमको पता चले कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं चार्ज हो रही है। सो मैंने जो है ये जो चार्जिंग मॉड्यूल बनाया है यार बहुत ही सिंपल सा मैंने बनाया हुआ है, आपको जो इसका डायग्राम जो है वीडियो को लास्ट में मिल भी जाएगा। सो फ्रेंड ये जो है मैं कहूँगा कि फ्रेंड ये जो है आपका जो है 99% सिक्योर है क्योंकि आप जो है इसको जो है अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो, हमारी बैटरी का जो है ओवर चार्जिंग का भी खतरा इससे नहीं रहता है क्योंकि मैंने यहाँ पर 1K का रेसिस्टेंट जहाँ पर यूज़ किया हुआ है जिससे जो है ज़्यादातर पावर को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ी सी पावर जो है बैटरी के पास जाएगी जिससे आप जो है 12 वोल्ट या फिर 1 एम्पियर के चार्जर से आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड हमारे आपको यहाँ पर टेस्ट करके भी दिखा दिया कि ये जो हमारा टॉर्च वर्क कर रहा है। और उसके बाद मैं अभी फ्रेंड हम जो है इन सभी पोर्ट्स को जो है इसके पाइप के अंदर लगा देंगे। सो मैंने बैटरी को अंदर डाल दिया है, उसके बाद इसको कवर को भी ऊपर से डालूंगा लेकिन उसके पहले थोड़ी सी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक का जो स्पंज होता है उसको यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो किसी भी थर्माकोल का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं इस पर लगा दूंगा, लगाने के बाद देखें फ्रेंड हमारी बैटरी जो सिक्योर हो गई है और जिससे जो है कोई वायर जो है इस पर टच नहीं होगा। और यहाँ पर उसके बाद मैं इसके कैप को जो अच्छी तरह से लगा दूंगा। सो फ्रेंड ये जो सर्कल वाला पार्ट काटा था मैंने एकदम परफेक्टली उसके साइज़ का ही कट किया है मैंने और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो काफ़ी अच्छी तरह से इसके अंदर फिक्स हो गया है। और उसके बाद मैं इस पर जो है यहाँ पर फेविक्विक लगा के इसको फिक्स कर दूंगा। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं। और फ्रेंड मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, अगर आप इसको चार्ज करते हो तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक इसको चार्जिंग में लगा के रखें क्योंकि आप जो है अगेन इस पे मैंने कोई चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट का यूज़ नहीं किया क्योंकि फ्रेंड आपको पता ही है कि अभी लॉकडाउन का टाइम चालू है तो इसके वजह से मैं कोई सामान जो है भी बाहर से परचेस नहीं कर सकता हूँ, तो इसके वजह से मैं यहाँ पर इस तरह का जुगाड़ यूज़ कर रहा हूँ। सो फ्रेंड ये भी ज़्यादातर सिक्योर ही है फ्रेंड, बस आपको जो इसको ज़्यादा चार्जिंग नहीं करना है, 2 से 2.5 घंटे तक बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बाद इसको चार्जिंग नहीं करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको फाइनल टेस्ट करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड, अगर आप बना रहे हो तो एक बार फाइनली टेस्ट कर दें और उसके बाद मैं इसको जो है इसके अंदर अच्छी तरह से यहाँ पर एलईडी को जो है फिक्स कर दूंगा। सो फ्रेंड मैंने इसके साइज़ को जो इतनी परफेक्टली मैंने बनाया है और इसको साइज़ में कट किया है कि आप जो है आप इस पर फेविक्विक भी नहीं लगाओगे यार तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस पर जो है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फेविक्विक भी लगा दिया है इसको अच्छी तरह से पैक करने के बाद। सो फ्रेंड अगर आपको यार वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप कुछ कहना चाहते हो या फिर आपको कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे। और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट करके भी दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर देखते हैं रेड लाइट यहाँ पर इंडिकेट भी कर रही है फ्रेंड। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर आगे इसका LED का टॉर्च को आपको टेस्टिंग करके भी दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस जो है अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि फ्रेंड इसकी ब्राइटनेस यार बहुत ज़्यादा है और इसको जो है कैमरा भी जो है मेरे मोबाइल का जो कैमरा है वो जो है इसको अच्छी तरह से यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पा रहा है फ्रेंड। सो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का जो है ब्लिंकिंग इफेक्ट भी आ रहा है, तो अगर आप चाहो तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर सभी लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर टेस्ट करके बताता हूँ। अगेन फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड जैसा आपको दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है और इसकी ब्राइटनेस जो है यार काफ़ी ज़्यादा है और आपको यहाँ पर कैमरे में आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। सो फ्रेंड बस आज के वीडियो में इतना ही था, अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।